अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन असल में आया है कि क्या आईएएस आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर दाढ़ी रख सकते हैं क्या? तो उसमें जवाब ये है कि आईएएस ऑफिसर तो रख सकते हैं, आईआरएस आईआरटीएस ऑफिसर ये सारे भी रख सकते हैं। अलबत्ता आईपीएस में मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को ये अलाउड नहीं है। सिख पुलिस ऑफिसर अगर है तो वो रख सकते हैं, मुस्लिम इसको अलाउ नहीं करते हैं वो। मैंने इसके बारे में तफसीलात लेने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स को ये अलाउड नहीं है। अब उसमें फिर सवाल ये है कि अच्छा उसमें लेकिन जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोई यानी कि वो क्या करें कि देखिए प्रीलिम्स में तो कुछ मना नहीं है, प्रीलिम एग्जाम में कोई आपको चेक नहीं करता आपकी दाढ़ी है नहीं है, मेंस में भी कोई चेक नहीं करता, इंटरव्यू में भी कोई आपसे पूछता नहीं है कि आपकी यानी अलाउड तो है इंटरव्यू देना आपको दाढ़ी रखते हुए आपको अलाउड है। इसके बाद जब आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है आप जब लबनासा वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि कुछ कुछ इशू आए या फिर पोस्टिंग के वक्त आईपीएस में कुछ इशू आए तो वो काफी दूर की बातें हैं। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद एग्जाम देना है या 2 साल बाद एग्जाम देना है तो उसमें यह है कि अभी वो काफी दूर की बातें हैं। आप अभी क्या कीजिए, अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और ये सारा काम जो है वो हमारे नेशनल लीडर्स का है, हिंदुस्तानी लीडर्स का है, हमारे ये जुडिशरी को ये सोचने वाली बात है, हमारे जो लोग लॉ मेकर्स हैं उनको ये सोचने वाली बात है कि ये कानून कैसा कानून है कि आप जिसके अंदर एक फील होता है, एक मुस्लिम को ये फील होता है कि सिख हमारे भाइयों को दाढ़ी रखना अलाउड है लेकिन हमको दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, जबकि वो अब उसमें वो डिटेल्स में जब जाते हैं तो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है, दाढ़ी एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है, आपकी पगड़ी एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है और हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है, बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में जाकर इसको साबित किया जाता है और ये किया जाता है कि भाई सिख भाई हमारे उसे रख सकते हैं, सिख्स के लिए अलाउड है लेकिन मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन एक कॉमन मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये कोई एक इंसाफ की बात नहीं दिखती। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान हमारा इतनी सारी सभ्यताओं का मुल्क है और इतने सारे हमारे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के अंदर जो है मुस्लिम शामिल थे और जो पूरा लंबा ये स्ट्रगल रहा उसके अंदर मुस्लिम शामिल थे तो उनका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलीजन का, वो एसेंशियल पार्ट है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जहां पर हमारे ऋषि मुनि साधु और दूसरे कई लोग भी दाढ़ी रखते हैं तो और जहां पर मनमोहन सिंह जी पगड़ी और दाढ़ी रखते प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पी चिदम्बरम साहब लुंगी में जाकर वहां पर पार्लियामेंट में जाकर एक फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं और भी अलग अलग किस्म के हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है कि रिलीजियोसिटी से हमें इंडिया के अंदर कम से कम इतना बड़ा कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी बंदे की रिलीजियोसिटी से। तो ये इस बात के बारे में सोचने वाली बात है। तो ये इस सवाल के तवस्सुत से माध्यम से मैं हमारे लीडर से भी अपील है ये तो इस बारे में आप सवाल उठाइए, लॉजिकल सवाल उठाइए कि मसला क्या है। जब भाई सिंपल सा सवाल ये है कि जब कई सिख दाढ़ी रखकर पुलिस ऑफिसर में बेहतरीन सर्विस दे सकता है, बेहतरीन पुलिसमैन हो सकता है तो एक मुस्लिम दाढ़ी रखकर क्यों नहीं हो सकता, असल सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम।